हाँ दोस्तों, मैं बताऊँ न्यू BSS मॉडल 2023 जो भारत में लॉन्च हो गई है, टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस, जो टोयोटा की इनोवा है हाई क्रॉस G7 स्टार, मतलब जो 7 सीटर की है और फ्यूल सप्लाई सिस्टम पेट्रोल है और इसकी AC सीरीज सब वाल्टियों सब मिलाकर हर शहर का अलग रहता है। और इसका न्यू दिल्ली का प्राइस जो है लगभग 21,32,092 रुपये। और दोस्तों, आपने उन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर सब्सक्राइब करो, साथ में बेल बटन दबाएं, बेल बटन जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आप लोगों को हमेशा मिलते रहे। दोस्तों सामने ऊपर बात करें तो टोयोटा का लोगो क्रोम के फिनिश के साथ और क्रोम की काफ़ी ज़्यादा डिजाइन मिल जाती है, देखने में काफ़ी शानदार। और जो इनोवा किस्टा आती है उससे लंबी और काफ़ी शानदार फीचर के साथ इसको लॉन्च कर दिया गया है। और LED DR के साथ है, लैम्प मिल जाता है, एंजिलेटर और दो वाइपर वाशर पूरे कंट्रोल स्विच मिल जाते हैं, देखने में काफ़ी शानदार दिखाई देती है और काफ़ी ज़्यादा फीचर के साथ है ये भारत में लॉन्च हो गई है। और सामने दो वाइपर मिल जाते हैं, वाशर मिल जाता है और डिस्क ब्रेक मिल जाता है आगे दोनों टायर में और पीछे साइड ड्रम ब्रेक मिल जाता है। और डिजाइन भी काफ़ी शानदार की गई है। और इंजन टाइप की बात करें तो 2.0 इंजन मिल जाता है और यह है 1987 cc की मैक्सिमम पावर, इसमें 178.65 bhp और 6600 rpm मिल जाती है। मैक्स टॉर्क इसमें 205 Nm और 4500 लेकर 4896 rpm मिल जाती है। सिलेंडर की संख्या इसमें 4 मिल जाती है, वर्ल्ड प्रति सिलेंडर की संख्या इसमें 4 मिल जाती है और देखने में काफ़ी शानदार। गियर बॉक्स CVT मिल जाता है, देखने में काफ़ी शानदार। पेट्रोल और पेट्रोल माइलेज लगभग इसकी माइलेज 16 से 18 किलोमीटर प्रति एयरवे दे सकती है। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसमें 52 लीटर फ्यूल भर सकते हैं। और इसमें सामने भी मतलब चारों टायरों में डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, आगे भी डिस्क ब्रेक और पीछे भी डिस्क ब्रेक मिल जाएंगे, मतलब चारों टायरों में डिस्क ब्रेक मिल जाएंगे और काफ़ी शानदार है। और इसकी लंबाई की बात करें तो 4755 mm और चौड़ाई 1845 mm और ऊंचाई इसकी 1785 mm मिल जाएगी। 5 सीटर की है, व्हील बेस इसमें 2850 mm मिल जाता है, डोर की संख्या इसमें 5 मिल जाती है, 4 आगे और 2 पीछे, 8 पीछे बूट किस वहाँ पे। और इसमें अंदर साइड बात करें तो पावर स्टेयरिंग मिल जाती है, पावर विंडो फ्रंट मिल जाता है, एयर पावर विंडोज मिल जाता है, हीटर एयर कंडीशन मिल जाता है, एडजस्टेबल स्टेयरिंग मिल जाती है, आप स्टेयरिंग आप ऊपर नीचे कर सकते हैं और काफ़ी शानदार है। और स्टेयरिंग पास है टोयोटा का लोगो और हेडलैम्प के लिए, वाइपर के लिए, वाशर के लिए पूरे कंट्रोल स्विच मिल जाते हैं और देखने में काफ़ी शानदार। और वहाँ पर म्यूजिक सिस्टम के लिए मिल जाता है और काफ़ी ज़्यादा फीचर के साथ वहाँ पर मिल जाती है। और सामने कैमरा मिल जाता है और पार्किंग सेंसर के लिए सामने फ्रंट और रियर दोनों साइड मिल जाता है, देखने में काफ़ी शानदार दिखाई देती है। और USB चार्जर सामने और पीछे दोनों साइड, आगे पीछे दोनों साइड मिल जाता है, टच मशीन मिल जाती है, म्यूजिक सिस्टम के लिए AC इवेंट काफ़ी अच्छा, और ड्राइवर एक मिल जाता है, पैसेंजर बैक मिल जाता है, काफ़ी अच्छी है और देखने में काफ़ी शानदार डिजाइन की गई है, काफ़ी शानदार। सीट बेल्ट मिल जाता है और गियर वहाँ पे बॉक्स पास कप, दो कप होल्डर मिल जाते, थोड़ी स्पेस मिल जाती है, देखने में काफ़ी शानदार। और सनरूफ और रूफ रेल और मॉडल मिल जाते हैं, इसमें टोयोटा अब सनरूफ भी अब मिलने लगेगी। और पावर इंटीना नहीं पता अलाउबल नहीं, और देखने में काफ़ी शानदार। पीछे वाली सीट में भी काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, स्पेस मिल जाती। टायर साइज की बात करें 205/65 और 16 मिल जाती है, अलाउ व्हील 16 इंच की मिल जाते हैं और 205/65 की वो मिल जाती है टायर की, और ट्यूबलेस टायर और एडजस्ट टायर की मिल जाते हैं। और पीछे साइड बात करें तो टोयोटा का लोगो, इनोवा और हाई क्रॉस की बेजिंग और देखने में काफ़ी शानदार, और पार्किंग सेंसर
कैमरा और वहाँ पे टेल लाइट भी काफ़ी शानदार मिल जाती है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।